भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर सरकार ने आंदोलनकारी पहलवानों को 15 जून तक का समय दिया है। अब पहलवानों ने इसके लिए काउंटडाउन शुरू कर दिया है। पहलवानों को भाजपा सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। इधर गिरफ्तारी का आधार बनी नाबालिग ने सुप्रीम कोर्ट में अपने बयान बदल दिए हैं। उसने बयानों में शोषण नहीं बल्कि भेदभाव की बात कही। नाबालिग के इन बयानों से ब्रजभूषण की गिरफ्तारी पर संदेह पैदा हो गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है कि वह नाबालिग के किस बयान को आधार मानता है। सुप्रीम कोर्ट के पास नाबालिग के पुलिस को दिए हुए बयानों की कॉपी समेत अब तक हुए 3 बयानों का ब्यौरा है। इस बार नाबालिग के पिता ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने बयान लोभ लालच में नहीं बल्कि डर की वजह से बदले हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसने धमकी दी, मेरा भी परिवार है, अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, मुझे डर लग रहा है, हमारे अंदर भेदभाव का गुस्सा था। फेडरेशन के अंदर अपील की लेकिन उन्होंने भी नहीं सुनी। हमने जो एप्लीकेशन दी उसमें कुछ सच और कुछ गलत था, मैंने सही और गलत को कोर्ट में जाकर क्लियर कर दिया, मेरा पूरा परिवार डिप्रेशन में है। इससे पहले बुधवार को रेसलर बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक की दिल्ली में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ 6 घंटे की मैराथन मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद रेसलर साक्षी मलिक ने कहा सरकार ने जांच पूरी करने के लिए 15 जून तक का टाइम मांगा है, तब तक उन्हें किसी तरह के प्रदर्शन न करने की अपील की है। हालांकि पहलवानों का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। बजरंग पूनिया ने कहा कि मीटिंग के बारे में खाप प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे, सबकी सहमति से ही किसी निर्णय पर पहुंचा जाएगा। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के सवाल पर खेल मंत्री ने जांच पूरी होने और उसके आधार पर कार्रवाई की बात कही है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।